नमस्कार जी, आप सभी का कुक विद उषा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रवा आलू विद वेजिटेबल टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत कम ऑयली है, स्वादिष्ट है और पौष्टिकता से भरपूर है। आई होप सभी लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। इसके लिए मैंने जो सामग्री ली है वो ये है। ये मटर आलू बॉइल्ड किया हुआ है, मैश किया हुआ है, और ये कटा हुआ टमाटर है, और ये थोड़ा सा पनीर महीन कटा हुआ है, और ये मोटा कद्दूकस किया हुआ और इसका पानी निकला हुआ खीरा है, और ये महीन कटा हुआ प्याज है। और इसके लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। ये चाट मसाला, ये लाल मिर्च, और ये गरम मसाला, ये कटी हुई हरी मिर्च, ये सफ़ेद तिल, ये कड़ी पत्ता, और ये नमक, ये हींग, ये राई, और ये जीरा है। रवा आलू वेजिटेबल टिक्के में एक स्टफिंग होती है और उसका बेस होता है। स्टफिंग की सामग्री मैंने आपको दिखा दी है, और ये मैंने बेस के लिए रवे का बैटर तैयार कर लिया है। इस बैटर के लिए मैंने ये एक बाउल रवा ली है, और ये 2 चम्मच बेसन, और ये 3 चम्मच दही, आधा चम्मच खाने वाला सोडा, और 1/4 बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच नमक, और उससे मैंने इसको ये तैयार किया है। और ये इस तरह से तैयार किया है, गिरने पर ये ऐसा रहे, इस हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। इस बेस को मैंने तैयार करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे में ये बनाने के लिए बिल्कुल सही हो जाती है, और इसको जब भी आप बनाएं तो बनाने के लिए मतलब आधा घंटा इसको रख दें। आइए पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। और जब ये रिफाइंड हो जाएगा फिर हम इसमें एक एक करके इसके मसाले डालें। हाँ, ये देखिए रिफाइंड हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई और थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच सफ़ेद तिल और ये हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और ये देखिए ये सामग्री हो गई है। और अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सब चीज़ें अब हो गई हैं। और अब हम इसमें ये टमाटर डालेंगे, और ये हम पनीर डालेंगे, और ये मैश किया हुआ आलू और मटर। और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला डाल लें, और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और अब ये भून रहा है। मैंने खीरा और प्याज नहीं भुना है,
खीरा तो कच्चा ही अच्छा लगता है, और प्याज, आजकल सावन चल रहा है, कोई प्याज इस समय पसंद करेगा, कोई नहीं, जो पसंद करेगा उसको ऊपर से डाल देंगे। और ये देखिए भुन रहा है, इसको थोड़ा 2-4 मिनट हम इसको भूनेंगे। इसकी स्टफिंग तैयार हो गई है, और अब हम इसका वेस्ट तैयार करेंगे। ये मैंने इसके लिए लोहे का तवा चढ़ा दिया है, और अब हम इसमें पहले 1 चम्मच रिफाइंड डालेंगे और उसको पूरे तवे में फैला देंगे। और इसको हम धीमी आंच पर बनाएंगे जिससे ये अच्छे से सिक जाए। और इसके लिए ये मैंने इसका बैटर लिया है, ये 1 चम्मच बैटर लिया है, और अब हम इसको डालेंगे, और अब थोड़ा सा आंच तेज करेंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। और इसके चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, और अब ये पक रहा है। ये देखिए ये बेस पक रहा है, और ये पक गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड डाल के इसको फैला देंगे, और फैलाने के बाद हम इसको अब धीरे धीरे चारों तरफ से छुड़ाएंगे। और अब हम इसको थोड़ी सी बड़ी करछुली लेकर अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए एक साइड सिक गया है, और अब दूसरी तरफ सिक रहा है। और अब हम ये स्टफिंग इसके ऊपर बिछाएंगे। ये चम्मच की सहायता से हम इसको गोल आकार में इसको इसके ऊपर बिछाएंगे। किनारे किनारे थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। ये देखिए ये इसको हमने फैला दिया है, और अब हम इस पे 1 चम्मच और भर के इसके ऊपर ये दूसरी लेयर डालेंगे। और अब हम इसको कवर करेंगे। और अब हम इस पर चम्मच से रिफाइंड डालेंगे, और इसको हम ऐसे करके फैला देंगे रिफाइंड को, और इसके साइड में भी डालेंगे। और अब हम इसको धीरे धीरे इस करछुली से छुड़ाएंगे। ये देखिए चारों तरफ से ये छूट गया है। और अब हम इसको बड़ी करछुली की सहायता से पलटेंगे। ये देखिए मैंने पलट दिया है, और इसके चारों तरफ फिर से मैंने रिफाइंड डाल दिया है, और इसको हम धीमी आंच पर सेकेंगे।
अब हम इसको धीमी आंच पर 2 मिनट तक सेकेंगे। अब ये देखिए तैयार हो गया है, ये दोनों साइड से सिक गया है और अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है, अच्छे से सिक गया है और अब हम इस चाकू से 4 पीस करेंगे। ये देखिए रवा आलू वेजिटेबल टिक्का बनके तैयार हो गया है, इसके मैंने 4 पीस कर दिए हैं। आप चाहें तो इसको साबुत भी खा सकते हैं, छोटा बना के खा सकते हैं। इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, आप इसमें ऊपर से भी डाल सकते हैं और इसको बनाते समय भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें कच्चा खीरा डाला हुआ है और बाकी चीज़ें मैंने इसमें फ्राई की हुई हैं। आई होप ये सभी को बहुत पसंद आएगा और आप इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा, खुद खाइए और अपने सबको खिलाइएगा। और अब मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।